पंजाब पुलिस के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने वाले वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमृतपाल सिंह के सहयोगियों के हथियार जब्त करने के बाद अब शनिवार को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 3 गाड़ियों के काफिले में जा रहे अमृतपाल सिंह ये कार्यवाही की गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 गाड़ियों तो पकड़ ली है, लेकिन अमृतपाल सिंह तीसरी गाड़ी में भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगातार अमृतपाल सिंह का पीछा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कभी भी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की जा सकती है। भारी पुलिस फोर्स इस सुबह से अमृतपाल सिंह के काफिले का पीछा कर रही थी। मालूम हो कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ हेट स्पीच समेत 3 मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कार्यवाही की है। अमृतपाल सिंह के साथ ही गुरदेव सिंह पर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही कार्यवाही की थी। गुरिंदर सिंह जब देश छोड़कर भागने की फिराक में था, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 9 साथियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। उन्हें कहा गया था कि जो हथियारों के लाइसेंस उन्हें दिए गए हैं वो आत्मरक्षा के लिए दिए गए हैं, ना कि किसी की पर्सनल सुरक्षा के लिए।